हेलो गाइस, मेरा नाम है अमरदीप और आज देखे टेक ऐप और आज हम जानने वाले गूगल पिक्सल 6 के बारे में कि ये इंडिया में आएगा या फिर नहीं और इसके फीचर्स और कुछ उसकी स्पेशलिटीज़। सो सब कुछ जानने वाले आज हम गूगल पिक्सल 6 के बारे में। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी जल्दी टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले कि गूगल पिक्सल 6 के सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको अभी कुछ ज़्यादा फीचर्स के बारे में पता नहीं चला, लेकिन अभी ये एक बात चल रही है कि इसमें आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर नहीं मिलेगा, इसको गूगल का अपना खुद का सिलिकॉन जो बनाया गूगल ने वो मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है आपको। ये कुछ 100% श्योर तो नहीं हो सकता, लेकिन देखते हैं। और इसमें आपको परफॉर्मेंस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की मिलेगी परफॉर्मेंस और मालिका जीपीयू मिलेगा आपको। लेकिन इसको गूगल ने खुद इसलिए बनाया क्योंकि इसमें आपको एआई के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे जो गूगल अपना परफॉर्मेंस और कैमरा इम्प्रूव करने के लिए लेगा। और गूगल के फोन पहले ही बहुत ऑप्टिमाइज रहते थे, लेकिन इसके बाद वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएंगे और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे और ज़्यादा स्मूथ काम करेंगे और ज़्यादा कैमरा उनका अच्छा होगा। और अब बात करते हैं वो इंडिया में आएगा कि नहीं। रूमर्स चल रहे हैं कि इंडिया में नहीं आएगा, अभी नहीं सोचा जैसे पिक्सल 5। लेकिन मेन रीज़न इसके पीछे गूगल का क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ जाती है और इसकी वजह से सेल नहीं होता फ़ोन का और कंपनी का लॉस हो जाता है। तो अगर कस्टम ड्यूटी से ये सब नहीं देना है तो उनको इंडिया में फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। वो अगर इंडिया में फैक्ट्री बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी देखते हैं। और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, लेकिन ये क्या करते हैं, मतलब फ़ोन्स को मैंने बोला आपको जैसे कि ये मतलब हर जगह फटाक से एकदम नहीं देते फोन को, ये टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे देशों में देते हैं और अगर वहाँ पर चले तो वो दूसरे देशों में लाते हैं और ऐसे करके पूरा वर्ल्ड में आते हैं फोन। आपको ये पिक्सल 6 मिल सकता है लेकिन अनऑफिशियल सिस्टम में, ऑफिशियल जो गूगल से मिलेगा वो नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी इसका प्रॉब्लम होता है कि नेट नहीं होता, लॉक होता है कभी कभी। और तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैं बोल रहा हूँ। तो हो गया वीडियो।